जा रही है मशरूम मशरूम प्रोडक्शन सेंटर, भैया को पता है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं। रास्ता बहुत खराब है, हम लोग पहुंच गए हैं अभी। बहुत ठंडा है इस जगह में, हम जाते हैं। चलिए हम अभी जाएंगे मशरूम कल्टीवेशन देखने के लिए। वाओ, as you can see, बिटल नट ट्री आप देख सकते हो इधर उधर, और यहाँ है पेडिफिल, यहाँ भी पेडिफिल है। हम लोग अभी मशरूम कल्टीवेशन देखने के लिए जा रही है। भैया की पहचान है कोई, पता नहीं अभी हो गया या नहीं, शायद उसने बेच लिया है, बट फिर भी हम देखेंगे। I love this place, guys. This is so beautiful. तो guys, हम लोग पहुँच गए हैं इधर में, तो चले जाते हैं देखते हैं। This bridge. Wow. Hi. Hi. Cute. Hello. Look at this cutie. Cutie, cutie. चलो चलो चलो. That's so cute. Oh. Such amazing cute. Oh, we had reached. तो ये शायद हम लोगों की है, तो हम लोग अभी देखने वाले हैं। It's dark, right? बहुत सारा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। Lots of. तो I think, हाँ already आप देख सकते हो, ये this is oyster mushroom. See how cute it is. This is the last batch. इसके बाद इसको फेंक देंगे, इसके बाद नया लगाएंगे इसमें। देखो आर फाइया दे मैंने ये कतल, दिस इज न्यू बैच वन। ये भैया की है ना, भैया की इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ऑटोमेटिकली पानी स्प्रेड होती है ताकि ये यहाँ पे, हाँ टेम्परेचर अगर गर्म हो तो ये इसमें पानी आगे जाए। मिस्टिंग, एज यू कैन सी, ये सारी नया बैच है और अभी तक नहीं आया, इसको वेट करना पड़ेगा। तो कहाँ है, ओ यहाँ पे देखना, ये आना शुरू हुआ है। टच नहीं करूँगी, ये सारे नए हैं मशरूम। यहाँ पे भी है, इसे भी एंटर करना अच्छा नहीं है, ये लास्ट डिश है इसलिए। थैंक यू भैया दिखाने के लिए। तो बंद कर रही है, आई कैन बैक कमर्शियल यू नो अर्निंग। दे ऑल्सो हैव बेकियत फार्म लाइक एवरीबडी हैज, एंड दिस इज यू नो लेमन, दिस इज इलाची लेमन बोलती है, हर जगह पे नहीं मिलती ये, त्रिपुरा में बहुत मिलती है। सो सॉरी गाइस, मेरे कैमरे के, ये उसके खुद की लैब है जहाँ पे वो स्पाउस तैयारी करते हैं। अब देख सकते हो कितना टैलेंटेड है वो बहुत ही टैलेंटेड है। देखिए उसकी ये क्या लेबोरेटरी है ना, इतना ठंडा, ठंडा होना पड़ेगा ना। तने क्या क्या लिखा, ये नंबर है इसमें 8545 डेट शायद, और ये उसकी खुद लेबोरेटरी है। देखिए सॉरी मेरे कैमरा की चार्ज खत्म हो गई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टैलेंटेड है, खुद खुद सीखा खुद सीख के किया। देखिए छोटी सी जहाँ पे उसने वो किया था उसके अंदर में, और ये उसकी आसपास की घर है। सॉरी फॉर द क्वालिटी गाइस, मेरे कैमरे की चार्ज खत्म हो चुकी है और गाड़ी में है मेरी फोन। तो हे गाइस वेलकम बैक। एक्चुअली क्या हो गई थी कि मेरी जो कैमरे की चार्ज है, तो अभी मैं यूज कर रही हूँ मेरा नीस के फोन से मैं ब्लॉग करूंगी अभी। तो वो हम लोग लास्ट देखी है मशरूम कल्टीवेशन, वहाँ से आने के बाद हम लोग और एक जगह पे जा रही है, भैया की जानने वाली लोकी है उसकी मैंगो फार्म में हम जा रहे हैं। तो हम देखेंगे उसकी मैंगो फार्म क्या क्या है। मैंगो ये बांग्लादेश का बॉर्डर भी आ गया है। देखिए ये जो तार है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सामने से। ये देखिए गाइस, ये है बांग्लादेश और हम लोग इंडिया में। ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है यहाँ पे, पाइन एप्पल गार्डन होती है, मैंगो सब कुछ ना, मतलब खाली स्पेस है शिलाशरी में, बहुत सुंदर है जगह।
तो ये आई थिंक बोदई मौसम्बी। ओह इसका मौसम्बी भी है। और मेरा कैमरा मैं अंदर में ही छोड़ के जाती हूँ, कुछ काम का नहीं यार। वाओ इतना सारा सनसेट भी होने वाले। तो ये है भैया इसकी फार्म है। हे गाइस ये प्लेस बहुत ही सुंदर है, अब देखिए देख सकते हो। देखिए गाइस इतना सारा मैंगो, ये सारी मैंगो से है। जब रेन हुआ था उस दिन ये परी हुई है, ये देख सकते हो यहाँ पे 100-200 केजी तो हो गई। और उस तरफ जो बाउंड्री है यहाँ पे गर्मी है बांग्लादेश की। वाह नाइट हो गुना, बहुत ही बढ़िया जगह है कि शायद रेस्ट हाउस है। वाह और यहाँ पे सनसेट हो रही है। यहाँ पे बांग्लादेश का आप देख सकते हो। एंड चलो हम जाते हैं इस रास्ते से। एज यू कैन सी दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल, लाइक बहुत ही सुंदर है। आगे की तरफ जाते हैं इस फार्म को थोड़ी सी हम लोग। ओह माय गॉड देखिए गाइस, मतलब ऐसे गिरा है यहाँ पे, इसको हर जगह कलेक्ट करके रखे है। आई फील सो बैड। देखिए इतना फ्रेश है, मैं दिखाती हूँ। देखिए इसको अचार करने के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए ओके चलो हम आगे की तरफ जाते हैं। भाभी लोग उस जगह में पहुंच गई हैं, तो चलिए हम भी जाते हैं। तो गाइस ये ना मेरी फर्स्ट टाइम है इस जगह पे, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इधर से ये पूरी उसकी फार्म है। यहाँ पे शायद लेक है लेकिन सूख गई है, गिर गया है केला, केला का पेड़। सो सैड। चलो हम आगे की तरफ। हाँ ये तो हम बाज़ार में, देहरादून में तो मैं बाज़ार में खरीद के खाती हूँ, यहाँ तो फ्री में मतलब मिट्टी में गिर रहे। आई वाज सो बैड, दिस प्लेस इज अमेजिंग। चलिए हम जाते हैं। और यहाँ नीचे में इतना गिरा हुआ तो इधर नहीं आ रहे। ओह माय गॉड सो हम लोग यहाँ तक पहुँच गई हैं। खाना है फुरू से दे सको भाई। ये क्या है थांग नहीं बनाई दे। लेट्स गो। ओह माय गॉड लुक एट दिस, इट्स सो स्केरी। डू यू व्हाट इज इनसाइड। वाओ I feel great to be at the top of this. So, यहाँ से आना पड़ेगा। हम थोड़ी सी उठ के देखते हैं। Wow, look at the view. Come. बड़ी भाई ना। Look, आना मांगू ना। Sweet, कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना। बहुत ब्यूटीफुल जगह है। हम लोग ऊपर में है अभी। यहाँ पे जो देखभाल करती है इस फार्म की यहाँ पे सोती है। क्या हवा आ रही है। वाह तेते भी आ रही है। पता वाह तेते आराम ना खाना भाई दे। नहीं 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 दी। देखिए यहाँ से पूरी उसकी फार्म। बहुत ही मजा है, इतना मजा आया यहाँ पे। वहाँ से वो हाउस जहाँ पे बनाया है लकड़ी से, वो बहुत ही अच्छा था। ये पूरी सैक बैक के सैक में। कैसे लगा भाभी? नाइस, बहुत ही शांति जगह है ना। वो घर पे हम रुकी थी। बांग्लादेश बॉर्डर, ये बांग्लादेश बॉर्डर है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं वो फार्म से और अभी हम
खेत में है। और तुई